डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 उसका लेक्चर नंबर 6 हम देखेंगे। इसमें हम तीन ऑर्गेनेल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो ऑर्गेनेल है दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम कहते हैं कि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन सब के अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस की कंपोजिशन की बात करें, ठीक है, तो सेल के अंदर ठीक है एक राउंड फॉर्म के अंदर स्फेरिकल फॉर्म के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियस को जब हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस के अराउंड एक डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनवेलप का नाम देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर ठीक है स्मॉल पोर्स होते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियर एनवेलप है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दैट इज सेमी परमीएबल जस्ट लाइक द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये देखें तो ये डबल मेम्ब्रेन है। ये क्या है हमारे पास, डबल मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड या मटेरियल पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो सबमर्ज्ड जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियस के दरमियान में, न्यूक्लियस के सेंटर के अंदर ठीक है कुछ ऑर्गेनेल्स या कुछ हम कहते हैं कि हमारे पास एक क्या है, एक सेंट्रल पॉइंट पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। वन और टू न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई क्या होता है, हर एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नाम देते हैं क्रोमैटिन। जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज के अंदर होता है ठीक है, तो उसका जितना भी क्रोमोसोम होता है वो डीकंडेंस्ड फॉर्म के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन का नाम देते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन क्रोमोसोम से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, जब सेल डिवाइडिंग स्टेज के अंदर आता है तो यही क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की शेप में आ जाता है। ठीक है, ये बना किससे होता है, ठीक है, क्रोमैटिन या क्रोमोसोम्स बने होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए और प्रोटीन्स क्या करते हैं, वो क्रोमैटिन बनाते हैं। ठीक है, या क्रोमोसोम्स बनाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स का नंबर हर एक स्पीशीज के अंदर क्या होता है, वो फिक्स होता है। ठीक है, और क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, वो एक सेल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक पूरे ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए क्रोमोसोम्स होते हैं। सेकेंडली, क्रोमोसोम का दूसरा फंक्शन क्या है, ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या ट्रेट्स हैं उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यानी कि इनका रोल क्या है, हेरिडिटी के अंदर, विरासत के अंदर इनका क्या है, मेन रोल है क्रोमोसोम का। ठीक है, न्यूक्लियस वो पॉइंट है, वो जगह है जहां पर राइबोसोम्स बनते हैं। जहां पर क्या बनते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म से होते हुए न्यूक्लियर पोर्स के जरिए वो क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है जो कि एक सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो हमने यहाँ पर स्टडी कर लिए। ठीक है, जो आज का सेकेंड ऑर्गेनेल है, ठीक है, इस लेक्चर का, लेक्चर नंबर 6 का सेकेंड ऑर्गेनेल हमारे पास दैट इज राइबोसोम। वो क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम्स को हम कहते हैं, राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। सेल की क्या है, प्रोटीन फैक्ट्रीज है राइबोसोम्स। ठीक है, और जितनी भी प्रोटीन्स बनती हैं वो राइबोसोम के ऊपर बनती हैं। अब राइबोसोम दो तरह के होते हैं, कुछ राइबोसोम्स वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं, और कुछ राइबोसोम्स क्या होते हैं, वो फ्रीली फ्लोट करते हैं सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर जब हम देखें, तो इनके स्ट्रक्चर में, राइबोसोम के स्ट्रक्चर में हमारे पास दो सब यूनिट्स नजर आते हैं। ठीक है, एक को हम लार्ज सब यूनिट कहते हैं। ठीक है, एक को हम स्मॉल सब यूनिट का नाम देते हैं। ठीक है, जब भी राइबोसोम ने प्रोटीन बनानी होती है या परफॉर्म करना होता है अपना फंक्शन, तो उस वक्त ये दोनों सब यूनिट्स अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और जो ही राइबोसोम अपना फंक्शन फिनिश करते हैं, ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं।
राइबोसोम्स के अराउंड कोई भी जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती, इस वजह से राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होते हैं और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी क्या होते हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम का फंक्शन क्या है, हम इनको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज। ठीक है, अब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम में जो एक स्मॉल डिफरेंस आता है वो ये है कि जो यूकैरियोटिक सेल है उनके राइबोसोम स्लाइटली लार्जर, थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम है वो क्या होते हैं, वो स्लाइटली स्मॉलर होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स के बाद जो थर्ड ऑर्गेनेल है आज का हमारे पास, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। वो हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। जितनी भी एनर्जी प्रोडक्शन होती है एक सेल के अंदर, एनर्जी जितनी भी सेल को चाहिए वो कहां से हासिल करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से हासिल करते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये जो ऑर्गेनेल्स हैं ये प्लांट सेल के अंदर भी पाए जाते हैं, एनिमल सेल के अंदर भी ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जब हम देखें तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, और जो इनकी इनर मेम्ब्रेन है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या उनके अंदर क्या होते हैं, फोल्ड्स पाए जाते हैं फिंगर लाइक, उन फोल्ड्स को हम नाम देते हैं क्रिस्पी। ठीक है, और सिंगुलर इसका क्या है, क्रिस्टा। ठीक है, तो अब यहां पे देखें ये आउटर मेम्ब्रेन है और यहां पर ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूड लाइक मटेरियल पाया जाएगा, ठीक है, उसको हम नाम देंगे मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स ही वो पॉइंट है, वो जगह है जहां पर सेल एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी क्या की जाती है, एटीपी की फॉर्म में हासिल की जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को फंक्शन करने के लिए जितने भी एंजाइम्स चाहिए वो सारे एंजाइम्स मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वहां पर फूड से एनर्जी हासिल की जाती है, उस एनर्जी को बाद में सेल क्या करते हैं, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।